दुनिया में अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे चीन ने अपने जंगी बेड़ी में ऐसा लड़ाकू विमान शामिल किया है जो बम बरसाने में तो अव्वल है ही, इसके साथ साथ ये विमान रडार से बच निकलने में भी सक्षम है। यानी दुश्मन इस विमान को आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। चीन वायुसेना द्वारा अपनी बेड़ी में शामिल किए गए नवीनतम J-20 लड़ाकू विमान न सिर्फ चीन की जंग लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और जापान के वर्चस्व को तोड़ेगा। बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों को अपनी सेना में शामिल करने वाला चीन इस क्षेत्र का पहला देश होगा। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA वायुसेना के प्रवक्ता शीन जिंके ने पिछले सप्ताह कहा था कि चीनी वायुसेना के लड़ाकू अभियान में नवीनतम J-20 लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। जिंके ने कहा कि समग्र लड़ाकू क्षमता हासिल करने की दिशा में J-20 को शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने जिंके के हवाले से कहा था, J-20 ने वायुसेना रेड स्क्वाड 2017 अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने नई युद्धक क्षमता को बढ़ाने की बुनियाद रखी थी। जिंके ने कहा कि युद्धक इकाइयों में लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद वायुसेना ने पायलटों के प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रडार से बच निकलने में सक्षम इन लड़ाकू विमानों को शामिल करने के बाद चीन क्षेत्र में बमवर्षक लड़ाकू विमानों को शामिल करने वाला पहला देश होगा। जानकारों का कहना है कि इसकी शुरुआत भारत के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि भारतीय वायुसेना को अब तक स्टील्थ यानी रडार से बच निकलने में सक्षम लड़ाकू विमान नहीं मिला है। इससे सामरिक स्तर पर खासकर बेहद ऊंचाई वाले तिब्बतीय क्षेत्र में बड़ा अंतर आएगा। केवल अमेरिका की वायुसेना के पास ही स्टील्थ विमानों का बेड़ा है। J-20 चौथी पीढ़ी के मध्यम और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम लड़ाकू विमान है। साल 2011 में इसने पहली बार उड़ान भरी थी। गुआंगडोंग प्रांत की झुआई में 11वें एयर शो चाइना में पहली बार इसे सार्वजनिक किया गया। टीम न्यूज़ ना।